बटाला के नज़दीकी पिंड खुराला दे स्टेडियम दे विच एक ऐसी स्पोर्ट्स क्लब चलाई जा रही है जिथे बच्चों खेडां दे नाल जोड़न दे लई कोच बच्चों अथलैटिक्स की मुफ्त ट्रेनिंग देंदे ने। NRI पुलिस कर्मचारियों अते नौकरीशुदा लोगों की मदद दे नाल ट्रेनिंग लै रहे बच्चों खुराक अते सारा समान भी मुफ्त दिता जाता है। हुण तक 100 के करीब बच्चों इत्थे ट्रेनिंग दी जा चुकी है, 70 के करीब बच्चे अजे तक भी ट्रेनिंग लै रहे हैं। 3 कोच ने जो बच्चों ट्रेनिंग देंदे ने ते उहनां दे विचों एक आर्मी रिटायर्ड परसन है। देखो 4 कोच है जी, एक तो साढ़े रिटायर्ड इंस्पैक्टर ऊधम सिंह, एक BSF के रिटायर्ड इंस्पैक्टर, दोनों ही स्पोर्ट्समैन, दोनों के ऑल इंडिया पुलिस मैडल है। तो उन्हें करके एक साढ़े फीमेल है परमजीत कौर, एक कोच साढ़े होर है वा इतने सोनू जी, वो फादर साहब पहला हुशियारपुर से कोच, उन्होंने तो बाद फ्री सेवा करते हैं जी इतनी। तो दूजी गल ये भी इतने असं टाइम टू टाइम बच्चों की जरूरत अनुसार जे कि कोई शू नहीं है उन्होंने शूज देते हैं, जे को ट्रैक सूट नहीं ट्रैक सूट देते हैं, फिर उन्होंने डाइट का ख्याल रखी, डाइट डेली देंगे जी। डाइट के सर मतलब जिदा जिन्ना जिन्ना भी अं दसवंध अपना पा सकते हैं, जिदा NRI भी मतलब वाद सहयोग आ साडे जिहड़े जे जॉब अं करते इतने जिन्ना साडे को हुंदा अं करते हैं, मतलब हर बंदा दिलों करता जी। इतने कोई किन्ने इस वे बच्चे है ट्रेनिंग लै रहे साडे को जी? 75 बच्चे तो अथलैटिक दे जी, तो 50 होने साडे को फुटबॉल वाले मुंडे आ, वो भी करते इसे ग्राउंड प्रैक्टिस करते, कबड्डी वाले भी इतने करते हैं। तकरीबन 200 के करीब तो बच्चा हैगा इतने जी। किसी भी पिंड का हूँ ताे सामने एक मैं तुम दसिया खोखर पिंड श्री हरगोबिंदपुर लग गया, उतों फादर वह लैके इतने आया साढ़े को, वो लैके बेचारा डेली आता। अं तो यही आने मापे उदो उन्होंने भी थैंक्स करते हैं भी जेडे बच्चे अपने तेल फूक के बेचारे इतने आते हैं, उन्होंने कुछ चंगा लगता। हूँ 45 के करीब साढ़े को लड़कियां बेचारिया जो जड़ियाँ बेखौफ इतने प्रैक्टिस कर दी, किसी चीज़ की इतने कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। अही स्कूलों के कॉलेजों के जोड़े प्रिंसीपल है जी उन्होंने टाइप करीदा जी, उन्होंने फिर कही भी अं जो स्पोर्ट्स जी स्पोर्ट्स वालों फ्री अं एजुकेशन दें जी स्पोर्ट्स की, उन्होंने प्रैक्टिस कराने तो साढ़े को बच्चे भेजो जी। तो कुछ बच्चे जो सा पहले ऑलरेडी साढ़े को जी, उन्हों का वेख के भी बच्चे आते हैं जी, काफ़ी साढ़े दूरों दूरों पिंड बच्चे साढ़े को आते हैं जी। तो अं कोशिश करते हैं कि हर बच्चे जो वधिया जो उन्होंने समान चाहिए ज जोड़ा बच्चा जोड़े यूनिट सिलेक्ट आ उस हिसाब ना उन्होंने फिर प्रैक्टिस कराने जी। अं करके बच्चे साढ़े 4 बच्चे तो भर्ती हो गए जी, तो नैक्सट 3-4 बच्चे साढ़े हो रहे जोड़े वो इस वे भर्ती से वो डिजर्व करते भर्ती हो जी। जो अज भी ट्रायल दवाइए अं उन्होंने तो वो मालिक की कृपा ना भर्ती होगी जी, हर महकमा स्केल होगा जी उन्होंने। देखो जी मैं अपील करना चाहता, असं तो एक सेवादार वजों काम कर रहे हैं, एक साढ़े यूनिट बनी है टीम बनी है जिस एक्स सर्विसमैन NRI वीर इस यूनिट के नाल जुड़े है साढ़े, जो जिथे तक संभव हो सकता वो स्पोर्ट्स में प्रमोट करने वास्ते खासकर अथलैटिक्स उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं दिन रात उन्होंने किया। मैं तो सरकार को भी यही अपील करूँगा, सब तो पहला जिहड़ा स्पोर्ट्स वास्ते जिहड़ा बजट आ उन्होंने सरकार पिछले साल जिहड़ा 22 करोड़ से उसकी थान पर घट्टो घट 150 करोड़ का बजट स्पोर्ट्स वास्ते होना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगे आ, सिंथेटिक ट्रैक बनाने लगे 5 से 10 करोड़ तक का खर्चा आ जाता। दूसरा सरकार को इस पहलकदमी करनी चाहिए आ, जिहड़े साढ़े पुराने स्पोर्ट्स विंग सीगे जां सेंटर स्पोर्ट्स सेंटर बने आ बिल्कुल बंद आ, जिन्हां च कुगियां कबूतर कां बोलदे आ जां उहनां विच जाड़ा लगा, किसी समय के उन्हां दे विच 40 से 50 वख वख जिलों तो बच्चे आके उत्थे रहिंदे सी ते गेम्स करदे सी, कोई हॉकी सी कोई फुटबॉल सी कोई एथलैटिक सीगा, सरकार उस चीज़ वाल भी लैके जाए। और उस तों इलावा जो सरकार नशे की गल करदी जिहड़ा पंजाब दे विच भी, मैं पंजाब दे सारे अपने वीरां नूं अपील करूँगा भी जिहड़ा खोरा लग गया पंजाब नूं नशे का, जे तो वाकई असीं अपनी जवानी बचाउणा चाहुंदे आ ते अपने बच्चों खेडां वाले पासे बिल्कुल जोड़ना पऊगा और बहुत छोटी उम्र तो जोड़ना पऊगा, तां जो शुरू तो तकरीबन इत्थे तुसीं देख सकदे हो 8-10 साल तो लैके तकरीबन 22 से 25 साल तक के लड़के और लड़कियां वड्डी गिणती दे विच लड़कियां छोटे छोटे बच्चे असीं स्कूलों दे विच जाने आ, प्राइमरी स्कूलों जाने आ, मिडल स्कूल विच जां सीनियर सैकेंडरी स्कूल विच जां कॉलेज विच उत्थे काउंसलिंग करदे आ, उन्हां दे प्रिंसीपल साहब नाल जाके रिक्वेस्ट करदे आ भी बच्चों नूं किसे तरीके नाल कुछ समय वास्ते ग्राउंड वाल मोटीवेट करो। जदों इत्थे आउंदे आ बहुत वधिया माहौल आ, एक परिवारक माहौल आ इत्थे, बड़ी वधिया टीम काम करदी आ, जिहदे करके तकरीबन साडी इह जो बच्चों की गिणती आ दिनों दिन वो वधदी भी जा रही आ। ते जो असीं मुहिम लै के तुरे सी भी बच्चों नूं तंदुरुस्त पंजाब दी, कि पंजाब दे बच्चों नूं जिन्ना चिर तक असीं अवेयर नहीं कर सकते उन्ना चिर असीं सुनहरे पंजाब दा सुपना देख नहीं सकते जी। वेखो जी इह जिहड़ा साडा पिंड सीगा ना सारा एरिया इस हाई स्कूल नूं काफ़ी पिंड पैंदे सीगे और साढ़े सर सीगे भुल्लर साहब सरदार जगिंदर सिंह और सरदार गुरजार सिंह जी होनी, वह स्पोर्ट्स नूं बहुत प्यार करते सी, उन्होंने बहुत मतलब सैकड़े एथलीट जिहड़े आ पैदा कीते सीगे
और अभी नैशनल दे विच दस दस बच्चे मैं भी तीन चार नैशनल गेम मैं खेलिया और साडे पिंड दा बहुत नां सीगा एथलेटिक्स दे विच। उन्हां दी रिटायरमेंट तो बाद जदों ओह रिटायर हो गए तो वह स्टॉप लग गया। उस स्टॉप तोड़न वास्ते एक इंसीडेंट होया भी मैनूं किसी ने पुछया भी खजाले दे विच उस तरह दौड़ा चलदियां ते ओह मैनू उन्हें सौन नहीं दिता रात। उस तो बाद फिर मैं सोचा भी मैं इन्हों दोबारा किया जाए इस जी स्टॉप लगी है साड़ी एथलैटिक्स की उस तोड़न वास्ते असी 10 साल पहला ये जी एथलैटिक्स मीट सी शुरू की आ ते अज असी बहुत अच्छी पोजिशन पर पहुँच गए। इतने किन्ने को बच्चे होंगे तो किन्ने को बच्चों केड़ी केड़ी ट्रेनिंग दी जाती है? एथलैटिक्स की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। साढ़े को चार कोच ने ते सारी इक्विपमेंट है ते साढ़े को 70-75 बच्चे आ और सारे ही इलाके के बच्चे आ रहे हैं, दूरों दूरों बच्चे आ रहे हैं, कई कई 15-15-20 किलोमीटर तो भी आ रहे हैं और उन्होंने फ्री फैसिलिटी और ट्रैक सूट शू सारा कुछ उन्होंने दिता जा रहा। किसी सारे जी इक्विपमेंट हैगी एथलैटिक्स की किसी चीज़ की भी लोड़ हो गई मतलब कि कुछ बच्चों की फीस भी भरते हैं जेडे थोड़े ज़्यादा गरीब आ बच्चे उन्होंने होर उन्होंने एक्सट्रा पैसे दे के उन्होंने दुध लाया किसी का चिकन लाया किसी के अंडे लाए जेड़ा बच्चा सानू लगता भी अगर छेदी जाने वाला उन्होंने अभी कोशिश करते हैं और गरीब आ तकरीबन ही गरीब घर के बच्चे आ मतलब तो उन्होंने अं हरेक एवरीडे उन्होंने अ खाने वास्ते भी सारा कुछ उन्होंने प्रोवाइड करते हैं।